लल्लू सिंह के पास जाओ तो यही कहते हैं, अरे बहुत करेंगे, 2-4 सौ नहीं मिलेगा। कुल प्रशासन गुंडई कर रही है, कुल इस समय गुंडई हो रही है, बिजली काट दे रहे, पानी कनेक्शन काट देते हैं। और यहाँ के विधायक जी से हम लोग संदेशा पहुँचा, विधायक जी कहे कि 2-4-5 हजार वोट नहीं दोगे तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेड़ लगा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ा कि बिजली खत्म हो गया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ सतजकांत। हनुमान गढ़ी मंदिर के जस्ट पास में हूँ और ये जो बैरिकेड्स देख रहे हैं जो बगल में लगवाए हैं प्रशासन ने, इसको लेकर के यहाँ के जो दुकानदार हैं, काफ़ी दुकानदारी पे इफेक्ट पड़ा है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लगभग 2 महीने से एकदम समझ लीजिए कि यहाँ पर जो इनकी दुकानदारी थी, जो बिक्री थी, वो ठप पड़ गई है। काफ़ी पर्यटक आते हैं यहाँ हनुमानगढ़ी पे, काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आदिकाल से जो यहाँ पर जो दुकानें थी उनकी दुकानदारी काफ़ी घाटे में आ गई है। आपका नाम भैया क्या हुआ? देवा जी। अगर बात करें यहाँ बैरिकेड्स लगने से पहले की दुकानदारी और अभी की दुकानदारी, क्या फ़र्क पड़ा? फर्क काफ़ी पड़ा हुआ है यहाँ का दुकानदार, पब्लिक उधर चली जाती है, इधर आ ही नहीं पाती है पब्लिक। नुकसान कितना हो रहा है डेली? लगभग डेली 2-4 हजार रुपये तो डेली हो ही रही है। क्या मानते हैं एकदम से अयोध्या पे नजर लग गई है क्या, कि पहले तुड़ाई फुड़ाई हुई फिर इस तरीके से दुकानदार हमेशा पिस रहा है? खुल प्रशासन गुंडई कर रही है यहाँ पे प्रशासन, और बैरिकेडिंग जबरदस्ती, हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन भी दिए, ये दे रहा है नेता लोग को उठा ले जा रहे हैं, बिजली काट दे रहे हैं, लाइन काट दे रहे हैं, परेशान किया जाता आप लोग? हाँ, हम लोग को बहुत परेशान किया जाता है यहाँ पर, किसी भी तरीके से आवाज नहीं उठा सकते। नहीं, आप उठाएंगे आप तो आपको उठा ले जाएंगे। ये कौन लोग उठा ले जाते? पुलिस वाले, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, बिल्कुल। बिजली काट देते हैं, पहला चीज पुल इस समय गुंडई हो रही है, बिजली काट दे रहे, पानी कनेक्शन काट दे रहे हैं। अभी इसके पहले जब हम लोग हड़ताल किए थे ये तोड़ फोड़ करने के लिए, जिसे हमारी मांगी थी हमारे जो है पैसा मुआवजा अच्छा से दिया जाए, हम विकास के लिए नहीं है। जो विकास हो रहा उसको आप लोग मना नहीं करते? उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, हम लोग मुआवजा भी ठीक नहीं मिलता, कुछ भी नहीं दिए मुआवजा। और यहाँ के विधायक जी से हम लोग संदेशा पहुँचा, विधायक जी कहे कि 2-4-5 हजार वोट नहीं दोगे तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ गया अयोध्या में। लेकिन अयोध्या वासी ने दिए, अयोध्या के बाहर लोग नहीं दिए, अयोध्या वाले ने दिए, अयोध्या के बाहर लोग नहीं दिए। देखिए विकास यहाँ पे जो हो रहा उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन जो मुआवजा है वो सटीक मुआवजा इनको मिलना चाहिए, ये बातें हो रही। हड़ताल पे बैठते हैं तो प्रशासन इनके ऊपर दबाव बनाता है, बिजली पानी तक ठप कर देता है। आपकी यहाँ पर ये दुकान आपकी है भैया? आपकी दुकान है? हाँ। क्या किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? कस्टमर्स आ रहे ठीक ठाक कि नहीं आ रहे? ज्यादा नहीं आ रहे, पहले जैसे आते थे उस तरह नहीं आ रहे। अच्छा, आप लोग जब अपनी आवाज उठाते हो या शिकायत करते हो तो क्या दबाव बनाया जाता है? दबाव तो नहीं बनाया जाता, इतना जो हमें लोग को नहीं पता। अच्छा, पता नहीं है तो दिक्कतें हो रही है, मतलब देखिए दिक्कतें हो रही है। ये आम दुकानदार है और ये बैरिकेड्स आप जो देख रहे हैं ये सीधे हनुमान गढ़ी की तरफ जाते हैं, और आप साफ तौर से सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रशासन की मदद तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आम दुकानदारों को जब दुकानदारी में ही फर्क पड़ जाए तब क्या हो। भाई 2 मिनट जा दीजिएगा, यहाँ पे जो बैरिकेड्स वगैरह जो लग गए इससे क्या आपकी दुकानदारी कुछ इफेक्ट पड़ा है? जी, बहुत ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा है, इसकी वजह से आदमी जो कस्टमर है जो उसी तरफ रह जाता है, इस तरफ आने की वो प्रयास नहीं करता, और इस तरफ के दुकानदारी लोगों का पूरा काम खत्म पड़ गया है। पड़ गया है, आदमी जो आदमी 10 आदमी आता था अब केवल 2 आदमी आता है, अब 2 आदमी से कितना प्रॉफिट हो जाएगा? इतनी बड़ी दुकान है, किराया है, बिजली का बिल है, कहाँ से निकलेगा? अच्छा, जब ये भी बात पता चली आप लोगों ने जैसे प्रदर्शन किया या अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो बिजली पानी भी काट देते हैं? नहीं, बिजली पानी तो नहीं काटा है, बस ये है थोड़ी दिक्कतें होती है यहाँ पे किसी चीज के लिए के वो नहीं है कि हाँ तुरंत कोई इंस्टेंट काम हो, थोड़ा देर रोकते हैं, परेशान होने देते हैं, जब परेशान हो जाता है आदमी तो खुद ही आदमी सोच जाता है कि अब नहीं होगा काम, तब आते हैं काम करने आते हैं और परेशान अलग करते हैं, दबाव बनाते हैं आप लोग पर। हाँ, अब एक बार दुकान बढ़ा दिए, दोबारा दुकान बढ़ा दिए, हर बात पे आते हैं, इसको बंद कर दो, इसको कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अब हम अपना आदमी दुकानदारी करने बैठा है कि उनका काम लेके बैठे। अच्छा, अभी आप लोग की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते ये है कि बैरिकेडिंग अगर हटा देंगे तो थोड़ी दुकानदारी में थोड़ा हमारे प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है लगभग मंथली अगर माने तो? मंथली अगर तो 20-25 हजार रुपए का नुकसान हो ही जाता है, इससे आदमी कस्टमर नहीं आता, जहाँ 10 आते थे वहाँ 2 आते हैं,
जहाँ 1000 रुपए बिकना है वहाँ 200 बिक रहा है, इस हिसाब से आप लगा लीजिए। देखिए काफी दिक्कतें हुई है, ये हनुमानगढ़ी के आसपास का क्षेत्र है, आप देखिए जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं श्रद्धालु सीधे निकल जा रहे हैं, बैरिकेड्स का भी उतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर जो दुकानें हैं आम उनमें इफेक्ट पड़ा है इन सभी बैरिकेड्स के द्वारा, कारण दुकान चलिए लोग नहीं है। आगे भी बात करते हैं, यहाँ पे एक आंटी है, आंटी से बात करते हैं। आंटी 2 मिनट लेंगे, यहाँ पर दुकान आपकी कब से है? यहाँ दुकान 200 साल हो गया। ये बैरिकेड्स अभी नए नए लगे हैं, इसके कारण क्या नुकसान हुआ क्या फायदा हुआ आपको? क्या नुकसान हुआ भैया, दुकानदारी पे थोड़ा सा असर आया, और क्या नुकसान हुआ बताइए। कितना रुपए डेली का फर्क पड़ा है? अरे बहुत फर्क पड़ गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा, क्या किया नुकसान हुआ है? नुकसान तो हो ही रहा, अब कस्टमर उधर से इधर नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। पहले आता था, पहले जैसे खुले थे तो लोग उधर भी चलते थे इधर भी चलते थे, अब बंद है तो लोग आना नहीं अच्छा समझते, नहीं आते, देखिए उधर भीड़ है इधर खाली बैठे हैं लोग। अच्छा, तो आप लोग जब आवाज जब उठाते हो तो कोई प्रशासनिक दबाव भी? कुछ नहीं होता, सब कुछ सही है, कहते हैं क्या करोगे बहुत करोगे वोट नहीं दोगे और क्या, ऐसा बोला जाता है। देखिए भाई, हम लोग लल्लू सांसद के पास तो जाएंगे, लल्लू सिंह के पास जाओ तो यही कहते हैं अरे बहुत करेंगे 200-400 वोट नहीं मिलेगा, तो सब परेशानी गरीबों के लिए तो है, अमीरों के लिए तो है नहीं। अब दुकान लिए हैं, दुकान लगी है, अब उधर से इधर कस्टमर नहीं आ रहा है, जबकि इसको लगाने तो लल्लू सिंह कभी सुनवाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसको लगाने से कोई मतलब है? यात्री इधर से निकल रहा है उधर से निकल रहा है, बीच में खाली पड़े हैं, लेकिन अब लगा है भाई, जो सरकार लगवाया वो चल रहा है, क्या किया जाए। देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर के पास में महिला है, लगभग 20 साल से इनकी दुकान है यहाँ पर, और लगभग 2 महीने में ये सब चीजें जो चेंजमेंट जो हुई है, जो बैरिकेड्स लगे हैं, इसके कारण काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर दुकानदारों को, यहाँ पे दुकानें और भी देख रहे हैं। चाचा आपकी दुकान है जी? कब से दुकान है यहाँ पे? यहाँ दुकान हमारी 28 साल हो गया। ये नए नए बैरिकेड्स लगे हैं, कितने दिन हो गए इसको लगे हुए? लगे हुए 1.5 साल करीब हो गया। इससे क्या फर्क पड़ा है, ये जो नए जो बैरिकेड्स लगे हैं इसके? जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है इससे फर्क ये पड़ा कि बिजनेस खत्म हो गया। खत्म हो गया बिजनेस खत्म, और इतना भयंकर धूप होता है, आप यहाँ खड़े हो कितनी पब्लिक रेलिंग के अंदर में चल रही है, लोग इधर तरह से लोग इधर भी चल रहे हैं लोग इधर चल रहे हैं। आपने चौड़ीकरण किया, आपने दुकान को तोड़ दिया, हमारी दुकान 22 फुट की थी, 9 फुट की है मान लीजिए, आपने कहा चौड़ीकरण बहुत जरूरी है, राम मंदिर मानते हैं, बात सही है, लेकिन आपने जब 15 फीट का बैरिकेडिंग लगा दिया जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो चौड़ीकरण क्या फायदा? आपने योगदान दिया लेकिन आपके फेवर में कोई काम नहीं? नहीं देखिए आप लोग मतलब मतलब सबकी बात कर रहे हैं, जनमानस की, इसमें कितनी असुविधा, बिल्कुल कितनी असुविधा, आज के अभी मात्र 3 दिन पुरानी बात है, रात में कोई अधिकारी आए थे, उन्होंने बैरिकेडिंग को थोड़ा सा और आगे खसकाया, ये बैरिकेडिंग और यहाँ से 8 फीट और इधर था, 8 फीट और सटी हुई यहाँ पे भाई, अभी 3 दिन की बात हम बता रहे हैं आपसे, ये 3 दिन पहले वहाँ तक किया गया है, और उसके 8 फीट और इधर था, इससे कितना अधिक प्रॉब्लम है, आदमी चलता सोचता दुकान के अंदर घुस जाए। अब जब हमारे ये जो रेलिंग के बीच में स्पेस आप देख रहे हैं, ये हम दुकानदारों ने बनाया, ये आपस में ज्वाइंट है, ये बीच में कटिंग नहीं होना चाहिए, इसका पेनल्टी देना पड़ेगा। अब आप चौराहे से घुसिए तो आप सीधा हनुमानगढ़ी निकलिए, बीच में जितने दुकानदार हैं आप उस दुकान को देखते रहिए, दुकान तक नहीं आ सकते हैं, दुकान जाना गुना। डेली कितने का नुकसान हो रहा है आपका? देखिए भाई साहब ये देखिए, हम लोग तो रोज को खोलते रोज पानी पियो के दुकानदार हैं, अब जब पब्लिक जा रही है इसमें कितने कस्टमर जो हमारे यहाँ सामान खरीदना चाहते हैं ये तो हमको पता ही नहीं, जब वो ये देखते हैं कि आने का मार्ग ही नहीं, वो इधर आएंगे ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या है कितना मतलब। अच्छा, इससे ये सब जब ये सब किया जाता तो आप लोग को पहले कोई नोटिस या पहले कोई बताया जाता? नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई विरोध आप कर नहीं सकते हैं, बोलेंगे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, एक थप्पड़ मार दिया जाएगा सब, चूंकि जो कहता आप कौन है, आप दुकानदार आप सामने से बैठिए, आपसे क्या मतलब, आज 1 साल हुआ है नाला बना हुआ है, नाला देखिए सफाई हो रही है, इस नाले का पानी हमारे बेसमेंट में आता है तो 30 साल 28 साल से नहीं आया, अब आ रहा है, नाला फट गया पूरा, नाला पास में बनाया गया, इसको लेकर के भी काफी दिक्कतें हो रही है यहाँ दुकानदारों को। और सबसे बड़ी बात ये बैरिकेड्स लगाने का मतलब क्या है ये पूछ रहा है, अभी भी भरा बेसमेंट पानी भरा, पानी हाँ बारिश नहीं हो रहा तो भी पानी भरा, यहाँ 24 घंटा मोटर लगा, 2.5 घंटा रोज पानी निकालते हैं, पर डे पानी निकालते, कोई दिन नागा नहीं। ये देखिए ये दिक्कतें लगातार यहाँ पे दुकानदारों को फेस करनी पड़ रही है, और ये तक बताया यहाँ पे जो नाला है उसका पानी यहाँ बेसमेंट तक में जा रहा है, एक दुकान और भी है। भैया दुकान कितनी पुरानी है कुछ बताएंगे? मेरे तो 70 साल पुरानी है। 70 साल काफी पुराने हो गए, काफी पुरानी, दादा जमाने की है। तो भैया एक बात करेंगे, ये जो नए बैरिकेड्स लगे अचानक सब कुछ जो धीरे धीरे जो बदलाव हुआ इससे नुकसान क्या हुआ आप लोग को? बहुत नुकसान हुआ, कस्टमर उधर से देखिए चले जा रहे हैं, कोई इधर आता नहीं है, लगभग डेली कितने नुकसान हो रहा है? रास्ता कहीं से है ही नहीं आने के, ये तो हम लोग ने खुद बनाया है रास्ता जी, नहीं तो रास्ता कोई प्रशासनिक दबाव भी होता है? हाँ, जब बनाते हैं उसके बाद फिर आ जाते हैं,
मिला देते हैं, कोई रास्ता नहीं रहता। बीते समय प्रदर्शन भी किया था आप लोग, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, हर तरीके से आपके ऊपर दबाव एकदम बिल्कुल, यही दुख यही आखिरी तक के सबको परेशानी होगी। बिल्कुल आगे कोई दिक्कत नहीं है, मेन रोड पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सारी दिक्कत यही रोड पे है। ये देखिए यहाँ पे जो दुकानें हैं इन सभी को लगातार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक दुकान और भी है। भैया ये दुकान आपकी लगभग कितनी पुरानी हो गई है? भैया लगभग होगी पुरानी, क्योंकि ये मेरी दुकान नहीं है जिसकी आप उनसे पूछ सकते हैं। लगभग अंदाजा 50 साल हो गए, बताया दो भाई, मैं दुकानदार नहीं। अच्छा, एक चलिए कोई बात नहीं, ये जो बैरिकेड जो लगे हुए हैं इसके कारण आपकी दुकान में क्या फर्क पड़ा है? या इससे ग्राहक है कि ये मंदिर पे जाने के लिए लगाए गए हैं जिससे भीड़ एक लाइन से जा सके, हालांकि जब भीड़ कम रहती है तो इसका उपयोग कम ही हो पाता है, आगे से लाइन में लगे रहते हैं। तो कस्टमर जैसे पहले आ रहे थे ये बैरिकेड लगने के पहले और अभी जो आ रहे हैं कितना फर्क पड़ा है, नुकसान हुआ है फायदे में? भैया थोड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि जब लाइन लग जाती है तो उधर के ग्राहक उधर से ही निकल पाते हैं, क्योंकि इधर तब नहीं आ पाते हैं। नुकसान में है? नुकसान फायदे की बात नहीं है, क्योंकि जब लाइन लगी रहती तो कोई रास्ते को बीच में काट के तो आ नहीं सकता ना, तब उस तरफ के ग्राहक चलते रहते हैं। देखिए ग्राहक दूसरी तरफ जब चलेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी दुकानदारी में फर्क पड़े। कई दुकानें ऐसी भी है देख रहे हैं यहाँ पर बंद करके लोग जा भी चुके हैं, कुछ लोगों ने अपनी जो दुकानें हैं उसको दूसरे को किराए पर दे दिया। और यहाँ पर ये तक बताया गया जो नाले जो यहाँ पर जो है पीछे कहूँगा कैमरामैन से जरा दिखाएं, तो ये जो नाले जो है इसका पानी बेसमेंट तक में जा रहा है, ये बातें भी निकल करके सामने आई है। और भी कुछ दुकानों में मैं बात करूंगा और समझूंगा कि समस्याएं क्या। और दुकान आपकी भैया? जी हमारी दुकान कितनी है, कितनी पुरानी दुकान हो गई? हमारी ये दुकान ही कम से कम 40-45 साल से पुरानी है। 45 साल काफी पुराने हैं जी। अयोध्या आपने काफी करीब से देखा है जी, ये बैरिकेड्स नए नए लग गए, सामने तोड़ फोड़ हुई, इसके कारण आपकी दुकानदारी पे क्या फर्क पड़ा? दुकानदारी पे बहुत फर्क पड़ा है। कितने का नुकसान हो रहा है डेली? अरे नुकसान बहुत है, सारे पब्लिक ऐसे चले जाते, अरे जो लगा है बैरिकेटिंग इसमें पब्लिक जाते नहीं है, सिर्फ रविवार और मंगलवार को ही जाते, बाकी सब उधर देखिए ऐसे जा रहे हैं पब्लिक। मैं इसे कहूँगा दिखाएं क्या चीज जो दिक्कतें हो रही हैं आप लोग को, लगभग डेली कितने का नुकसान हो रहा है? अरे चलता है, दाल रोटी चलता है, लेकिन जब नहीं लगा था तो बहुत अच्छे दुकानदारी थी, पहले अच्छी चल रही थी, पहले अच्छी, अब अच्छी नहीं है, अब अच्छी नहीं है। देखिए ये लगातार ये इफेक्ट पड़ रहा है और मैं धीरे धीरे कई दुकानों पे लगातार यहाँ के दुकानदारों से बात कर रहा हूँ और यही समस्याएं सभी में आ रही। अच्छा एक बात करूँ, यहाँ पर जो सांसद जी थे जब ये बैरिकेड्स लग रहे तो आप लोगों ने बात उनसे बोली थी? बोले थे लल्लू सिंह से, लल्लू सिंह से बोले थे। तो क्या बोले वो, जवाब क्या दिए? तो यहाँ के जो है 10-12 लोग व्यापारी लोग गए थे तो कुछ कहे नहीं, कुछ बोले ही नहीं, हवा में टाल दिया। हाँ उसी का फर्क पड़ा अभी। हाँ उसी का फर्क पड़ा है। देखिए यहाँ पे लगभग 40 से 45 साल पुरानी दुकान, पीछे लगभग 50 साल पुरानी दुकान, 70 साल पुरानी दुकान है यहाँ पर, जो लगातार लंबे समय से हनुमानगढ़ी के आसपास अपनी दुकानें चला रहे हो। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कोनों से बात करें या देश के कोनों से बात करें लगातार आते हैं, डेली आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो बैरिकेड्स जो आप देख रहे हैं इसके कारण इन लोग जो दुकानदार हैं इनकी दुकानदारी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी बात कही गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दुकानें आप बंद भी देख रहे हैं और ये सब दुकानें बंद होने का मुख्य कारण यही है कि इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस ठप हो गया है। सांसद से बात कही तो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बताते हैं कि सांसद जी कहते हैं तुम्हारे 400 से 500 वोटों से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो फर्क 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ का जो पुराना जो दुकानदार है उसको काफ़ी खासा नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये जिसकी आमदनी 1,000 रुपये हो रही थी डेली वो अब आकर के 200 रुपये पर सिमट चुकी है। तो समझ सकते हैं किस तरीके का नुकसान हो रहा है। प्रशासन लगातार दबाव बनाता है यहाँ के दुकानदारों का कहना है और बड़ी बात ये कि किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर इन बैरिकेड्स के लगाने का मतलब क्या बनता है जब इससे श्रद्धालु गुजरते ही नहीं, यहाँ के आम दुकानदार लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी खबर चलने के बाद प्रशासन किस तरीके से यहाँ के दुकानदारों की मदद करता है या वही दबाव जिसकी बात लगातार दुकानदार कर रहे हैं वो दबाव बनाया जाएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी से। धन्यवाद।